Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear viewers. Aaj humare paas hai Fbise 9 class new math 2024 aur isme humare paas hai exercise number 4.2 kehte hain factorize the following expressions completely. Aaye hum inko solve karte hain. To question number humare paas 15 hai. Y into y minus 1 into y minus 3 into y minus 4 plus 2. इसको यहाँ पे चार expressions हों इस तरह के, इसको factorize करने, तो आइए हम इसको factorize कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास देखें 4 term होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये y माइनस वन, ये y माइनस थ्री, y माइनस फोर है और यहाँ पर सिर्फ y है. तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये इस तरह कर सकते हैं y इसको हम प्लस या माइनस आप ज़ीरो कर सकते हैं, प्लस आप ज़ीरो कर लें इनटू ये हमारे पास होगा y माइनस वन, y माइनस थ्री, y माइनस फोर प्लस टू. इस तरह से हमारे पास x या y के साथ जो भी हो तो फोर टर्म होनी चाहिए, तो इसकी वजह आगे जाके आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ पर हमने चूँकि दो दो को हमने एक करना है, तो ताकि आगे ये हम पेयरिंग करके पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर सके. तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से करें कि देखें यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर माइनस थ्री है, तो ये माइनस वन माइनस थ्री ये हमारे पास बनता है माइनस फोर. इसी तरह से अगर आप देखें इसको माइनस फोर और ये प्लस ज़ीरो या माइनस ज़ीरो जो भी है, तो माइनस फोर और ज़ीरो होता है फिर माइनस फोर. बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ रखेंगे और इन दोनों को साथ रखेंगे. अब ऐसा करके हमने इसको बराबर देखना है कि बराबर आते नहीं आते, इस तरह मुख्तलिफ टर्म को आगे पीछे करके, फिर जब बराबर आते हैं तो उनको साथ रखना है. अब क्यों रखना है वो आगे जाके पता चल जाएगा. अभी हम इनको साथ रखते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं. देखें y इंटू वाई माइनस फोर, अब यहाँ पर ये ज़ीरो आप न लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आगे हमारे पास इन दोनों को साथ रखना है y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री प्लस टू. अब देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाई स्क्वेयर ये माइनस फोर वाई बनता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास वाई स्क्वेयर और ये बनेगा माइनस थ्री वाई और ये बनेगा माइनस वाई और ये वाई माइनस थ्री हमारे पास बनेगा, बल्कि ये माइनस वन माइनस थ्री हमारे पास बनेगा माइनस 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 प्लस प्लस थ्री प्लस टू. अब देखें ये हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई है, और अगर आप इसको थोड़ा ये सिंपलीफाई हो रहे थोड़ा प्लस माइनस हो रहे, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर ये हमारे पास फिर माइनस फोर वाई होता है प्लस थ्री प्लस टू. अब देखें जी, ये देखें वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई और वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई सेम आ रहे, इस तरह से सेम आना चाहिए. इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से ये सेम ला के यहाँ पे इस तरह से पेयरिंग की थी. इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे आके ये सेम आना चाहिए. देखिए अब जब ये सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, लेट वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स एक्स रखेंगे.
अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर x पुट करेंगे तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस टू होगा। तो ये x अंदर मल्टीप्लाई दे देते, ये एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होगा। अब ये सिंपल हो गया है एक्सप्रेशंस, इसको क्या करना है हमने, बस जस्ट सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टू को देखेंगे, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो टू को हम इसको प्लस थ्री एक्स को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, कि उनको प्लस माइनस करने से फिर प्लस थ्री एक्स आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाला आ जाए, टू आ जाए। तो वो हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर सीटिस आएगा और इसको हम तोड़ेंगे तो ये प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, देखें ये दोनों आएगा। अब चूंकि इन दोनों को अगर हम क्या करें, प्लस करेंगे तो ये फिर ये प्लस थ्री एक्स आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ा टू आता है। इस वजह से अब इन दोनों में एक चीज़ कामन है हमारे पास, वो हम यहाँ निकालेंगे, एक्स कामन है, एक्स प्लस टू बच गया यहाँ पर। इन दोनों में कामन कुछ नहीं है तो प्लस वन कामन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस टू बच गया। एक्स प्लस टू यहाँ पर क्या है, कामन है, तो एक्स प्लस टू कामन आ गया। आ गया हमारे पास एक्स प्लस वन बन बच गया। तो ये फैक्टराइज हो गया है। अब आखिरी काम रहता है कि हमने यहाँ से क्या किया था, ये देखें यहाँ से हमने लेट किया था वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई की जगह पर एक्स रखा था। अब हमने यहाँ से क्या करना है, एक्स की जगह फिर अपनी असली वैल्यू रखना है, तो वही हमारा फैक्टराइज फॉर्म होगा। तो अब एक्स की जगह पर हम रखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस टू, इसी तरह आएगा। और इस एक्स की जगह पर भी उसी की वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई, और ये प्लस वन भी यहाँ पर आ जाएगा, प्लस वन इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।